चेक। ललित का एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? ललित बहुत बुरा। से समथिंग ऑसम, हाँ बहुत अच्छा था, मतलब सीखने कुछ मिला, नई चीजें देखने को मिलती हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं। हाँ जी, हमें भूख लगी हुई है, आवाज गुड़ हो रही है पेट में, हाँ, तो आप थोड़ा लंच ना, भी जब किया है। मैं व्हेन आई स्टार्ट इंटरव्यू, हाँ सो जी, यू हैव टू लाउडली, आई मीन वॉइस इज नॉट कमिंग वेरी नहीं मैं तो बोल रहा हूँ गुड, यार, आवाज आनी बोल रहे? चाहिए। हाँ हाँ अब ठीक है आवाज, हाँ अब ठीक है। ओके, तो हाँ ऊंचा बोलूँ? अनमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ये है कि कनाडा से इंडिया का सफ़र कैसा रहा? आपको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, तो कनाडा से इंडिया आना भी आपके लिए एक प्रेस्टिजियस ही है, बिकॉज आजकल जो है यहाँ पे इलेक्शन का माहौल है पूरी दिल्ली में। हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा जो ग्लोबल आइकन अवार्ड दिया गया लॉस एंजल्स हॉलीवुड में। मैं हम्बल एंड ऑनर्ड विद दैट अवार्ड। वो मेरा अवार्ड नहीं था, सारी कम्युनिटी के लिए था, सभी ये टीम वर्क, उस टीम में बाई चांस मेरा नाम लिखा हुआ था, और इसलिए आई एम शुक्रगुजार उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के साथ नवाजा। और इंडिया में जैसे भी आपने कहा इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन इंडिया में हमेशा रहती है। मेरे ख्याल से 70 साल में हर महीने में, हर 6 महीने बाद, साल बाद इलेक्शन कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं पे होती है। तो इंडिया तो हमेशा इलेक्शन में ही रहता है मेरे हिसाब से। जी, दूसरी चीज़ ये जानना चाहेंगे, कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी काम को जब आपको इंकरेजमेंट मिलता है और लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, सो हाउ डू यू फील आफ्टर दैट? देखिए मैं लोगों से इंस्पायर हो रहा हूँ, मैं कहता हूँ जो मेरे पेशेंट्स हैं वो मेरे गुरु हैं, क्योंकि वो लोग मुझे सिखाते हैं, फिर वो मुझे बेहतर बनाते हैं। जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं उस एरिया में, तो मुझे बेहतर बनाते हैं, वो सारे सभी लोग मेरे गुरु हैं उस चीज़ में। तो जब मुझे इनकरेजमेंट मिलता है, कोई अवार्ड्स मिलते हैं, ये बताते हैं कि जिस रास्ते में चल रहा हूँ वो ये रास्ता अच्छा रास्ता है, और उस रास्ते में चलता रहूँ, रुकू ना। सो आपका अवार्ड तो आई एम श्योर कि आपने कनाडा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाउ डू यू फील आफ्टर गेटिंग सो मेनी अवार्ड्स फॉर अ प्राउडिंग फील इन आर कंट्री फॉर योर रिलेटिव फ्रेंड्स इन इंडिया? दे फील ब्लेस्ड, माई पेरेंट्स फील रियली रियली ब्लेस्ड, एंड दे आर हम्बल, दे आर फ्रॉम ए लो मिडिल क्लास फैमिली, एंड दे नेवर गॉट अवार्ड, सो दे सी दे लिव देयर लाइफ दे ड्रीम्स थ्रू मी। तो जो भी मिल रहा है वो उनकी ब्लेसिंग की वजह से मिल रहा है। हाँ जी, जी, तो क्या प्लान है? इंडिया में आप आए हैं, आप क्या यहाँ पे फिल्में वगैरह जो है आप प्रोड्यूस कर रहे हैं? किस तरह की फिल्में आप इसके बाद बनाना चाहेंगे, इस प्रेस्टिजियस को और प्रेस्टिजियस बनाने के लिए? देखिए बहुत से प्रोजेक्ट्स जिसमें हम काम कर रहे हैं इंडिया के लिए। हेल्थ सेक्टर में हम कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होंगे, वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स में होंगे, डायग्नोसिस में होंगे, जो यहाँ के लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, लोगों को जो एक्सेस नहीं है, जो बैरियर्स हैं हेल्थ केयर के, उसको ब्रेक करेंगे। और जो फिल्म हम लेकर आ रहे हैं, दैट्स माय पैशन, माय हॉबीज। मैंने तो अभी फिल्मों में पैसा कोई नहीं कमाया, लेकिन एक सुकून मिलता है, एक अच्छी कहानी मिलती है, उसमें काम करते हैं, 2-3 साल लगते हैं प्रोजेक्ट को लाने के लिए। तो ऐसा ही प्रोजेक्ट, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है सूरज का रिश्ता, और बहुत कमर्शियल मूवी है। इट हैज़ ए फन कॉमेडी एंटरटेनमेंट फुल फ्लेज फैमिली मूवी, बट विद अ मैसेज। वो मैसेज क्या है आपको थोड़ी दिनों में मालूम पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सरप्राइजिंग लोगों के लिए कि आप पेडियाट्रिक सर्जरी हैं, सर्जन हैं आप कनाडा में, राइट? का नहीं, हम कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ कार्डियोलॉजिस्ट, जी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो एक फिल्मों में आना, फिल्मों के बिजनेस को समझना और साथ में राजनीतिक में भी रुचि रखना, आई मीन हाउ डू यू गेट ए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन अ डिफरेंट सेक्टर? देखिए हमारे एक इंसान ना जब जिंदगी में अपने दिमाग के 90% हिस्से को तो यूज ही नहीं करता है, ठीक है ना, हम मुश्किल से 5 से 10% अपने हिस्से को यूज़ करते हैं ज़िंदगी में, हैं तो दिमाग की इतनी कैपेबिलिटीज है, इतने सेल्स हैं, हम उनको अनयूज छोड़ देते हैं ज़िंदगी में, चले जाते हैं हम यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ मैं हर सेल को यूज़ करके देखूँ। और देखिए एक डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता आप पेशेंट का ध्यान रखो, देखिए एक डॉक्टर एक एडवोकेट भी होता है ना, सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, है ना। और जो डॉक्टर होता है वो कोलैबोरेटर भी होता है, जो जो
चीज़ें लोगों को बेहतर कर सकती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम में हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या लोकल कम्युनिटी लेवल पर हैं, तो उनको लेकर इकट्ठे लेकर आना, जिससे लोगों की थोड़ी सी जो सहूलतें बेहतर हो जाएं, उनकी दिक्कतें कम हो जाएं, जी तो वो सारा डॉक्टर काम है। तो जो मैं अगर पॉलिटिकल लोगों से बात करता हूँ, तो उसमें मैं तो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, अपने लिए कुछ नहीं चाह रहा, वो सब लोगों के लिए है। उनको एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि लोग ये दिखते हैं, ये सोल्यूशंस हैं, अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपने लोगों की उम्र बेहतर कर सकते हो, उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हो। तो फिल्मों को मैं इसी नज़र से देखता हूँ। एक जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर एक आर्टिस्ट होता है, जिस तरीके से डॉक्टर अपने आप को पेशेंट की ज़िंदगी में आ जाता है, फिर अपने आप को डिटैच कर लेता है, एक वो रोल प्ले कर रहा होता है उस समय। डॉक्टर हर रोज़ रोल प्ले करता है, तो उसी रोल को एक मैं पर्दे पे लेके आता हूँ, जिस पर्दे पे मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ उस समय, मैं एक राइटर हूँ, है उस समय मैं कंसेप्ट प्लानर हूँ, उस कहानी में इन्वॉल्व हूँ, और मैं चाहता हूँ जो कहानी है वो मासे तक पहुँचे, हजारों करोड़ों लोगों तक पहुँचे। ये तो सिर्फ प्रोड्यूस करने की बात हुई, लेकिन कहा आपने कि एक एक आर्टिस्ट होता है, तो आर्टिस्ट जाहिर सी बात है डायरेक्टर भी कभी बन सकता है। सो हैव यू एनी प्लान टू बिकम अ डायरेक्टर इन बॉलीवुड, और यू वांटेड टू मेक अ फिल्म, सम फिल्म फेस्टिवल काइंड ऑफ फिल्म्स इन इंडिया? देखिए, एक एक दो कहानियां हैं जो मैंने जो हॉलीवुड के लेवल की हैं, जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, वो कहानियां हिंदी में शायद मैं नहीं कभी ला पाऊंगा उन कहानियों को, लेकिन हॉलीवुड में ज़रूर किसी डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूंगा, जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर और एज ए एसोसिएट और वॉट एवर। और वो कहानियाँ अच्छी हैं, वो ईस्ट और वेस्ट को मिलाती हैं, जो हमारे अजम्पशंस हैं, जो हमारी एक दूसरे के बारे में राय होती है, चाहे वो स्किन कलर की वजह से है, हमारी लैंग्वेज की वजह से है, तो उन बैरियर्स को वो टच करती है वो कहानी, और वो इंग्लिश में बेहतर रहेगी मेरे ख्याल से। आई थिंक दैट बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी टू ज्वाइन समवन एंड लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। जी, तो कब ऐसा आपको रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ हमारी जो दिल की कहानी है वो सिनेमा के पर्दे से, सिनेमा के माध्यम से लोगों को, हिंदुस्तानियों को बताना चाहिए? आफ्टर दैट यू 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 नो रियलाइज़ कि आई वांटेड टू मेक अ हिंदी फिल्म फॉर अ कंट्री, फॉर अ इंडिया, व्हेन यू गेट रियलाइज्ड? वेल, आई वॉज वॉचिंग आमिर खान शो, सो आमिर खान इंस्पायर्ड मी। सो उनमें जो सत्यमेव जयते शो आता था उनका, तो जैसे वो हेल्थ के इश्यूज को टैकल करते, एनवायरनमेंट इश्यू को टैकल करते, क्लाइमेट इश्यू को टैकल करते थे। ही वॉज ही इज एन आर्टिस्ट, बट ही वॉज स्टिल ट्राइंग टू हेल्प हिज कंट्री, हिज कम्युनिटी, सो ही इंस्पायर्ड मी। तो अगर वो कर सकते हैं तो छोटा मोटा हम भी ट्राई करेंगे, उनसे सीखेंगे। तो कभी यहाँ के गवर्नमेंट से या यहाँ के एम्बेसडर से आपकी कभी मुलाकात या बात हो पाई इस मुद्दे पे कि वांटेड टू मेक अ सच अ काइंड ऑफ फिल्म फॉर अ कंट्री, फॉर अ यू हाँ, नो? देखिए, जब हम फुल्लू आई थी, जब हमने मेंस्ट्रुअल पीरियड के ऊपर बात करी थी, और ये तो दुनिया की पहली मूवी थी ये, है जो मेंस्ट्रुअल पीरियड को मुद्दे को एक मेन स्ट्रीम पे लेकर आई ना, एक बड़े पर्दे पे लेकर आई। और वो फिल्म नेटफ्लिक्स पे चल रही है, अमेजोन पे चल रही है, छोटी सी फिल्म थी, बड़े छोटे से बजट में हमने बनाई थी गाँव में जाके। उसमें गवर्नमेंट हमें काफ़ी सपोर्ट करी, जो दिल्ली गवर्नमेंट थी, मनीष सिसोदिया जी ने फिल्म देखी है ना, यहाँ पे प्रीमियर हुआ दिल्ली में, उन्होंने सपोर्ट किया, बॉम्बे में प्रीमियर हुआ, तो वहाँ पे शिवसेना के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया, सुमित्रा ठाकरे जी ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। देखिए, वो टॉपिक ही ऐसा था, कौन सपोर्ट नहीं करेगा, है ना? हिंदुस्तान की आधी आबादी औरतें हैं, वो मुद्दा उन औरतों का, आधी आबादी का मुद्दा है, आप उसे कैसे दबा सकते हो, कैसे आप उसे सपोर्ट नहीं करोगे? तो वी वेरी हैप्पी, वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैड सच अ सपोर्ट। जी, अपने अपने इंडियन के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरीके के का आप सोचते हैं, जिस तरीके का आप हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं कैनेडा में बैठ करके, बिकॉज जिस तरह का एटमॉस्फेयर है देश में जो चल रहा है, सारी चीज़ें आप अवेयर हैं, आई एम श्योर कि यू आर मस्ट गेट अवेयर अबाउट दिस, वट एवर हैपनिंग इन द कंट्री। सो देर इज एनी वन मैसेज टू आर यू नो पीपल ऑफ इंडिया? देखिए, इंडिया जो एक कंसेप्ट है, जो इंडिया कंसेप्ट है, उसमें बहुत से लोग हैं, उसमें अलग अलग भाषा से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, जो इंडिया को यूनिक बनाते हैं, वही इंडिया की स्ट्रेंथ है। दुनिया भर में मैं ट्रैवल करता हूँ, लोग लव इंडिया। वाई लव इंडिया? वो ये नहीं कहते कि वी लव पाकिस्तान, वी लव दिस कंट्री, वी लव दैट कंट्री। People when I meet with them say, we love India. So what do you love? Well, so much diversity you guys have. So many amazing languages, so many different foods, so many different cultural activities. People
पीपल लव डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अगर डाइवर्सिटी को हम खत्म कर देंगे, हम एक ही तरह के बन जाएंगे, तो इंडिया खत्म कर देंगे हम अपना, है जो इंडिया दुनिया चाहती है। इंडिया दुनिया चाहती है भी इंडिया आगे बढ़े। इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर किसी की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप मेजोरिटी में हो तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि माइनॉरिटी के इश्यूज भी आप लिसन करो, तो डेमोक्रेसी अच्छी होती है। तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया चाहती है कि इंडिया की डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथ हो। अभी तो बहुत यंग लेवल पर है, और मैं चाहता हूँ जो लोग हैं, है ना, जो जो हिंदुस्तान के लोग हैं, बहुत बड़े दिल के लोग हैं जी, है ना, बहुत बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। अभी एक आर्टिकल आया था इकोनॉमिस्ट में, कल ही आया है ना, उसने लिखा था इनटॉलरेंट इंडिया है। तो मैंने ये कमेंट किया था ट्विटर पे, मैंने, इंडिया इनटॉलरेंट नहीं है, इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। दे आर द वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट पीपल ऑन अर्थ। दे लव, दे ओपन देयर होम्स, दे शेयर फूड, दे शेयर देयर सॉरोज एंड हैप्पीनेस विद एवरीवन। इट्स सम पॉलिटिकल पीपल, सम पीपल हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग इनटॉलरेंस टू इंडिया, who are trying to divide India, and we all of us has to be aware of that, and we all of us has to fight against them, and they are here and we know them. So that's kind of India I'm looking for, India that includes everyone, that is for everyone, and that is part in our constitution. We have that the right is mentioned there, that it will be independent. Doesn't matter which religion you belong to, which culture you belong to, you are Indian first before you are Hindu, Muslim, Sikh, or whoever you are. Thank you so much, sir, and wish you all the best. Thank you.